How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. Today we have to talk about class 4 students, about chapter number 9, I think, क्योंकि chapter 8 आप लोगों का ख़त्म हो गया था और chapter 8 में कुछ बातें थी. चैप्टर 8 में लैंग्वेजेस को पढ़ाना था चैप्टर 8 में, और लाइफ इन द आइलैंड्स को पढ़ाना था. उसके बाद 9 और 10 बचा. तो चलिए चैप्टर 8 की बातों को कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ाई करते हैं. चैप्टर 8 क्लास 4 में, चैप्टर 8 में थोड़ी बहुत जो बातें करना बच गया था उसको करेंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर ये बैंड हो जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 में हम लोगों को जो बातें हो रही थी वो है कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स की. तो उसमें हम लोगों ने वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज और वहाँ के आर्ट के बारे में पढ़ दिया था. हम लोग अभी पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में. क्लोथ के बारे में पढ़ लिया था वहाँ के, और वहाँ के फूड के बारे में भी पढ़ लिया था, भोजन के बारे में भी. अभी हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करेंगे. तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं लैंग्वेजेस क्या बोलता है. हमारे भारत देश में कोस्टल एरिया में, आइलैंड कोस्टल एरिया में किस तरह की भाषाओं का जो है प्रचलन है, कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं. हमने आई थिंक उसमें आउटलाइन भी कराया था और बताया भी था कि कौन कौन सी भाषाएं जो है हमारे भारत देश के कोस्टल एरियाज में बोले जाते हैं. तो चैप्टर का नाम है कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स, ठीक है? यही है. देखिए हम लोगों के बारे में बच्चों, इसको चैप्टर है इसमें लैंग्वेजेस बताया. तो लैंग्वेजेस अगर देखें तो जो कोस्टल एरियाज की तरफ है, तो कौन कौन से स्टेट जो है वो कोस्टल एरियाज के तरफ है. तो जैसे अगर हम बात करें तो गुजरात, जो स्टेट है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ पहले, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ है तो उसका नाम लिख रहा हूँ गुजरात, आपका महाराष्ट्र. उसके बाद ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ है बच्चों, ये वेस्ट कोस्टल प्लेन की तरफ है. उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, है ना? उसके बाद है केरला. उसके बाद है, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ जो स्टेट है, ठीक है? ये जो सारे स्टेट्स हुए ये वेस्ट कोस्टल प्लेन के तरफ जो स्टेट्स लाइज करते हैं जो स्टेट आते हैं वो किधर है? जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला. तो इसकी जो भाषाएं बोली जाती हैं, इस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ. ये लैंग्वेजेस है, जो लैंग्वेजेस वहाँ बोले जाते हैं. जैसे कि गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाएगी? गुजराती. महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है मराठी. गोवा में बोली जाने वाली भाषा है कोंकणी. कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है मलयालमी. केरल में बोले जाने वाली भाषा है मलयालमी. और कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़. ये जो बच्चों भाषाएं हैं, आपको दिख रहा है बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों, जो मैं लिखता हूं ये आपके बोर्ड पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर हम इसको जूम करें
तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। दिख रहा है बोर्ड पे? ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भाषा है, जो हलेक कोस्टल प्लेन के जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ जो जो स्टेट है उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि पहले गुजरात बताया, तो गुजरात में जो भाषा बोली जाती है वो है गुजराती, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वो मराठी, गोवा में जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी, कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़, और केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम। कुल मिला के कितने राज्य आ गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ? 5 राज्य जो है वो अरब महासागर के यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ लाइज कर। कितने राज्य? 5 राज्य, यानी गुजरात से शुरू है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और कहाँ जाके ख़त्म हो गया? केरल में ख़त्म हो गया। और सबकी भाषाओं को आपको दिमाग में याद रखना है, कौन कौन सा राज्य भी लाइज करता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ, ये भी दिमाग में याद रखना है ना। और एक हमारे भारत देश का जो ये डायग्राम है ये भी याद रखना है। तो इस तरह से डायग्राम है, यहाँ श्रीलंका है और यही हमारा वेस्टर्न, यहाँ से तो गुजरात शुरू है, ये गुजरात पार्ट हो गया, और गुजरात से लेके केरल तक आपका कौन है वेस्टर्न, इधर अरब सागर हो गया, अरबियन सी हो गया। क्लियर? अब हम लोग आएंगे, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, अब हम लोग आएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ। तो इसको रब करते हैं, इसको रब करने के बाद हम लोग वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। इसको इरेज कर दे। ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बातें, जिसमें जहाँ जहाँ जो राज्य में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उसी के बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ जो जो राज्य है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ। तो शुरुआत में सबसे पहले आ जाता है वेस्ट बंगाल, शुरुआत में। उसके बाद आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है तमिलनाडु, अब बताइए ये जो राज्य हुए ये राज्य किस तरफ सिचुएटेड है? भारत के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ। यानी कि अगर भारत का बंगाल की खाड़ी जिधर है उसी के तरफ इसका फेस है। इन सारे राज्य जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ फेस किए हुए हैं और इसीलिए ये वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी से टच करता है वही राज्य जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत में लाइज करता है या आता है। तो यहाँ ये जो स्टेट्स हुए तो इसके लैंग्वेजेस क्या होंगे बच्चों? आपको तो अच्छे से मालूम होगा इसका लैंग्वेजेस, लैंग्वेज क्या क्या होगा। वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल की जो भाषा होगी वहाँ पे बोले जाने वाली भाषा आप तो बड़े अच्छा आसान से जानते होंगे, कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, बंगाली भाषा बोली जाती है, BENGALI, बंगाली, बंगाली भाषा वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? तो उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया भाषा। कौन सा भाषा बोली जाती है? उड़िया। उड़ जाएंगे अब आप क्योंकि वहाँ पर बोली जाती है उड़िया, उड़िया, ODIA, उड़िया। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चूंकि दो राज्य में अब बट गया, एक तेलंगाना हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया, तो भैया आंध्र प्रदेश में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु, TELUGU, तेलुगु।
और तमिलनाडु लास्ट जो राज्य है यहाँ पर, तो आप जानते ही हैं तमिल भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु तमिल, तमिलनाडु में तमिल भाषा, वेस्ट बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, याद करने का भी जरूरत नहीं, स्टेट याद है तो स्टेट से आपको लैंग्वेज भी याद हो जाएगा तुरंत फटाक से, देयर आर नो प्रॉब्लम इन लर्निंग। आपको याद करने के लिए कोई एक स्पेशल मेहनत नहीं करनी है, यहीं पर स्टेट्स के साथ आपका लैंग्वेजेस याद होते चला जाएगा, है ना, स्टेट याद हुआ उसके साथ लैंग्वेज भी आपका दिमाग में आता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चले, थोड़ा सा मैं जूम को अब हटा लेता हूँ ताकि बोर्ड से हल्का सा दिखे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बोले जाने वाली भाषाएं। अब हम लोग बात करते हैं पोर्ट्स एंड सिटीज, पोर्ट्स एंड सिटीज को बात कर लेते हैं, पोर्ट्स क्या होता है, सिटीज क्या होता है। पोर्ट्स एंड सिटीज अगला टॉपिक है, पोर्ट्स एंड सिटीज। पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह और सिटीज मतलब होते हैं शहरें। बंदरगाह क्या होता है, इंडियाज लॉन्ग कोस्टल लाइन्स हैड हेल्प द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन द बोथ द कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों तरफ पोर्ट्स है। व्हाट इज पोर्ट्स, पोर्ट्स का अगर हम सिंपल अगर डेफिनेशन बताएं तो एक स्टेशन है यार, एक स्टेशन, अ स्टेशन अ प्लेस और अ स्टेशन वेयर द लोडिंग और लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स, LODING, लोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स थ्रू शिप और बोट। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पोर्ट एक बंदरगाह होता है, एक ऐसा स्टेशन होता है जहां पर सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, शिप या बोट के द्वारा, नाव के द्वारा, जहाज के द्वारा, जो है एक स्टेशन जहां पर सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को पोर्ट्स कहते हैं या स्टेशन कहते हैं, शिप स्टेशन कहते हैं, क्लियर है। और सिटीज, सिटीज क्या हो गए, सिटीज यानी शहरें, आप जान ही गए हर कोस्टल एरिया का अपना अपना प्रमुख शहर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट्स है और कौन कौन सा सिटीज है। तो सबसे पहले आइए पोर्ट्स के बारे में देखें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन सा पोर्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो पोर्ट है उसका नाम है सबसे पहले मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, पंजी, मैंगलोर एंड कोची। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो पोर्ट है वो है कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, पुडुचेरी, ये सब पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पुडुचेरी भी है, यूनियन टेरिटरी जो है पांडिचेरी पुडुचेरी, वो भी आपका जो है उस शहर में जो है वो पोर्ट्स हैं, और जहाँ पर जहाज बड़े बड़े चलते हैं और वहाँ पर सामान का को रखा जाता है या वहाँ से सामान को उतारा भी जाता है। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ। विशाखापत्तनम को बिजाग कहते हैं, आंध्र प्रदेश में यह बहुत ही बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज बनते भी हैं, बड़े बड़े शिप जो हैं वो बनते हैं, और पूरे हमारे भारत देश में नहीं विदेशों में भी इस शिप का मांग है, सप्लाई होता है। यहाँ पे इंजीनियर जो हैं बहुत अच्छे अच्छे जो है शिप के बॉडीज़ बनते हैं, शिप कंस्ट्रक्ट होता है, क्लियर। चलिए ये हुआ आपका पोर्ट एंड सिटीज, आगे चलेंगे।
ये हो गया पॉट सेंसिटिव। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है लाइफ इन द आइलैंड्स, आइलैंड्स में रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ रहे थे कोस्टल एरिया के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द आइलैंड्स। आइलैंड्स में द्वीपों में रहने वाले लोगों का क्या हाल है, उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं। वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप ग्रुप आर इनहैबिटेटेड बाई ह्यूमन बींग्स। बहुत कम ऐसे आइलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार में या लक्षद्वीप आइलैंड में। हमारे भारत में तो दो ही आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स। यही दो आइलैंड है जहाँ पे, बहुत कम ऐसे छोटे छोटे आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के हैं जहाँ पर जीवन संभव है, यानी ह्यूमन बींग्स रहते हैं, हम सभी मानव रहते हैं। बहुत कम ऐसे क्षेत्र, ज़्यादातर अंडमान एंड निकोबार में रहने वाले लोग आपको जनजाति के मिलेंगे जो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं। जैसे उनका काम तो है हंटिंग करना, शिकार करना, किसी जानवर को मार के खाना, फिशिंग करना, मछलियों को पालना, फिर फार्मिंग यानी कि खेती करना आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपेशन। वहाँ का एक मेन पेशा है, वहाँ पे काम करने वाले लोग यही तीन चीज करते हैं, एक शिकार करते हैं, एक मछली को पालते हैं और दूसरा खेती करते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला दो क्रॉप्स है, एक है राइस और दूसरा है कोकोनट, नारियल का पेड़ और चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला ये है क्रॉप्स, अनाज है। पीपुल ऑल्सो इंगेज इन फॉरेस्ट्री, वहाँ पर रहने वाले लोग जो भी अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं और जो भी आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं वो फॉरेस्ट्री में ज़्यादातर विश्वास रखते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ज़्यादातर वहाँ पे ऑप्टेन करते हैं, मतलब जंगलों से। कहा जाता है कि 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक ट्राइबल पीपुल्स अंडमान आइलैंड में बॉ और एरो के साथ बहुत सारे टर्टल्स को पकड़े थे। और टर्टल्स के साथ पकड़े गए थे, मेनी ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स आर डाइंग अवे, इसमें बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल्स थे 10 से 50 मेंबर वो मर गए थे उसमें पानी में डूब के। वो लोग टर्टल पकड़ने जा रहे थे, कछुआ को पकड़ने जा रहे थे और कछुए को पकड़ने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 10 से 50 आदमी तो मिले ही नहीं, कहाँ चले गए। सो द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर इज़ मलयालम, लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालमी भाषा बोली जाती है, चूँकि वो केरल के तरफ ही है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका केरल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोग केरल के हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर मलयालमी भाषा बोली जाती है। पीपुल मेनली, देखो वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादातर किस में इंगेज रहते हैं, ये तो अंडमान निकोबार की बात बता दिया कि अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग क्या चीज़ में इंगेज रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। ज़्यादातर अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट्री करते हैं, जंगलों से प्रोडक्ट्स को लाते हैं और उसे शहरों में बेचते हैं। लेकिन भाई आपको मैं बताऊँ, लक्षद्वीप आइलैंड्स में रहने वाले लोग मेनली एग्रीकल्चर और फिशिंग करते हैं, खेती करते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। टूरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, और टूरिज्म यानी पर्यटन भी, पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ के ये इंडस्ट्री है, पर्यटन और टूरिज्म और इंडस्ट्री। टूरिज्म यानी कि वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, प्लस इंडस्ट्री, वहाँ पर कुछ कुछ इंडस्ट्री भी आज खुल गई है जिससे लोगों को आज वहाँ पर रोजगार मिल रहा है और लोग वहाँ पर अपना जीविका जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार बहुत खतरनाक प्लेस है, वहाँ जंगली जीव रहते हैं, बहुत खतरनाक है, ऐसा कोई बात नहीं है। आज वहाँ पर भी जीवन संभव होता जा रहा है बच्चों।
होता जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। द चैप्टर नंबर 8 विल बी इज़ टू बी कम्प्लीटेड टिल टुडे। आज मैं चैप्टर 8 आपको ख़त्म कर दिया। अब अगले दिन चैप्टर 9 शुरू करेंगे। क्लास 4-5 दोनों का मैंने चैप्टर 8 ख़त्म किया, चैप्टर 9 दोनों में शुरू होना है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ बी केयर एंड टू बी लर्न इट वेरी केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट्स।